में डूबी हुई है, क्या हो गया है आपको? पुत्र जब आंखों के सामने ना हो और माँ को यह भी पता ना हो कि इस समय वह है कहाँ, तब जो कुछ भी होता है वही मुझे भी हुआ है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं देवी, कुमार शीघ्र ही लौट आएंगे। आज तो अब तक आपने स्नान भी नहीं किया। दोनों कार्य एक साथ करना कैसे संभव किया जाए? दोनों कार्य? कौन से दोनों कार्य? स्नान करना और कार्तिकेय की चिंता करना। दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकती तो एक एक करके तो कर सकती है। पहले आप स्नान कर लें। और तब तक कुमार भी लौट आएंगे तो चिंता करने का दूसरा कार्य करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रही। चले स्नान के लिए। हाँ, तुम दोनों चलकर तैयारी करो, मैं आती हूँ। चलो। नंदी, नंदी। जी माता। नंदी, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ, तुम यही द्वार पर खड़े रहकर पहरा लगाना और सावधान, किसी को भीतर ना आने देना। मेरे होते हुए भीतर आने का कौन दुसाहस करेगा? उचित है, ध्यान रखना। क्षमा करें भगवान, भीतर जाना वर्जित है। क्या कहा? मेरा भीतर जाना वर्जित है? तू अपनी सुध बुध और चेतना में तो है, तुझे ध्यान ही नहीं किसने कह रहा और क्या कह रहा है। मैं देवाधिदेव शिव शंकर से कह रहा हूँ, महादेवी के आदेश के वश में होके कह रहा हूँ। उनका आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। निर्बुद्धि, मेरी गणना तो किसी में करता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये सत्य तो संपूर्ण जगत जानता है स्वामी, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा है, महादेव की आज्ञा का नहीं? अवश्य करूंगा। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे मार्ग से हट जा। ऐसी आज्ञा ना दे भगवान जो महादेवी की आज्ञा का विरोध करे। मेरा सेवक बनता है, मुझे स्वामी कहता है और आज्ञा मानता है महादेवी की। मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ, मुझे धर्म संकट में ना डाले भगवान। चल, धर्म संकट में नहीं डालता,
एक और डाल देता हूं। चल हट। माता पार्वती क्षमा करना। क्या सोच रही हो मां? अरे कार्तिके, कहां था तू अब तक? मैं तेरे लिए कब से चिंता कर रही हूँ। तुझे अपनी माँ की क्या तनिक भी चिंता नहीं है? मुझे छोड़कर कहाँ कहाँ चला जाता है तू? अब भविष्य में जहाँ भी जाए मुझसे पूछ कर जाना। और बता तो कहाँ गया था तू? मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर? क्या सोच रही हो देवी पार्वती? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया देवी। ये क्या स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इस प्रकार स्नान कक्ष में कैसे चले आए? मैं तो भयभीत ही हो गई थी। अपने स्वामी से भयभीत हो गई? ये क्या, स्वामी को तो कभी भी कहीं भी आने का अधिकार होता है पार्वती। अधिकार? अधिकार की कोई सीमा और कुछ समय होता है? स्वामी अब आप जाएं और मुझे स्नान करने दें। जैसी तुम्हारी इच्छा। नंदी, नंदी। आज्ञा करें माता। आज्ञा नहीं, प्रश्न करना है। जब तुम जानते थे कि मैं स्नान कर रही हूँ तो अपने स्वामी को भीतर आने से रोका क्यों नहीं? रोका था माता। रोका था? किसे रोका था और कौन रोका? वे तो भीतर आ गए थे, फिर रोका कब और किसे? इसे तुम रोकना कहते हो? मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था और उनसे ये भी कहा था कि माता पार्वती स्नान कर रही है, भीतर ना जाए भोलेनाथ। पर क्या? पर वो मुझे धकेल कर भीतर चले गए। ऐसे में मैं और अधिक क्या कर सकता था? वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। तुम उनके सेवक हो? यदि मेरे सेवक होते तो तब भी क्या धक्का मारने से हट जाते और उन्हें भीतर आने का मार्ग दे देते? बोलो, उत्तर दो। कहा तो मैंने भी था कि देवी स्नान कर रही है, पर महादेव ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भला हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? माता, देवादिदेव को रोकने का साहस कौन कर सकता है? तुम सभी विवश और असहाय हो, तो तुम सब जाओ यहाँ से। हमारे चले जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? कैसी समस्या? सुरक्षा की समस्या। कल फिर इसी प्रकार की घटना घट सकती है। महादेव तो आपके पति हैं, इसलिए ये घटना इतनी दुखद नहीं हुई। अन्य कोई होता अथवा भविष्य में कोई हुआ तो? सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। एकांत सुरक्षा के लिए किसी विशेष व्यक्ति को ही नियुक्त करना होगा। यहाँ तो सब महादेव के गण है, उनकी सेवा में है। आपका कोई गण नहीं जो आपकी सेवा सुरक्षा करे। नंदी आपका गण होता तो क्या सरलता से महादेव को प्रवेश करने देता? स्वामी की स्वामी भक्ति में, स्वामिनी की सुरक्षा का कर्तव्य पूर्ण करने में वह चूक गया। ठीक कहती हो तुम दोनों, मुझे इस विषय में गंभीरता से विचार करना ही होगा। विचार नहीं, कार्य करना चाहिए। आप कुमार कार्तिकेय को अपनी सुरक्षा का कार्य क्यों नहीं सौंप देती? वो आपका प्रिय पुत्र है। कार्तिकेय वो तो पहले शिव पुत्र है, फिर माता का पुत्र है, फिर वो एक स्थान पर रहता भी तो नहीं, स्थान स्थान पर भ्रमण करता ही रहता है। मुझे इस विषय में कुछ उपाय करना ही होगा। कौन हो तुम? यह कैसा प्रश्न है? स्वयं को नहीं पहचानती? मैं? तुम? हाँ, तू मेरा सगुण रूप है और मैं तेरा निर्गुण रूप हूँ, शक्ति शिवा। तो एकाकार यह रूप भिन्न क्यों हो गया?
लीला की रचना के लिए। लीला? कैसी लीला? लोक कल्याण की, जनहित की। कौन करेगा यह लीला? तेरा पुत्र। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव पुत्र है। उसने तुम्हारे शरीर से जन्म नहीं लिया है। वह तुम्हारा पुत्र होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। वह मेरा पुत्र नहीं है? है, पर नहीं है। पुत्र माता के रक्षक होते हैं, सगुण माता के। तू सगुण माता है। कार्तिकेय भ्रमण प्रिय है। मयूर उसका वाहन है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। तो अन्य उपाय क्या है? सूक्ष्म जगत उपायों से पूर्ण है। उसे स्थूल जगत में लाना होगा। कैसे? अपने संकल्प से। संकल्प द्वारा अपनी देह से देहज पुत्र को जन्म देकर वही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे शरीर के तेज पुंज से उत्पन्न होने के कारण वह अद्भुत और विलक्षण होगा। अद्भुत और विलक्षण? हाँ, विविध लक्षणों से पूर्ण और अद्भुत। उसकी समानता जगत का अन्य कोई पुत्र नहीं कर पाएगा। सारा जगत उसे मान्यता देगा। Oh.
प्रणाम माते। मेरा पुत्र, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। यह मुझसे तुम्हारा निकटतम संबंध है जो कि जगत में होता है, माता और पुत्र का। मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। संबंध और निकटता तो मैं पहले से ही जान चुका था माते, इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है। गणेश, गणेश है तुम्हारा नाम, गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन मन प्राण प्रण से सेवा करूँगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूँगा। माता से अधिक और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूँगा। ये लो दंड, इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरी कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूँगा माता। सावधान, अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो एक पग आगे ना बढ़ाना। हे देश बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला तू कौन है? मेरे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूँ? पहले बताओ कि तुम कौन हो। मैं महादेव हूँ, मुझे भीतर जाना है। आप महादेव हो, आदि देव हो या परम देव हो अथवा देवों के भी देव हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। क्यों? माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता? जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी नहीं जानता उसे मैं नहीं मानता। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। बालक अवश्य हूँ, पर अपने नियम का कट्टर पालक हूँ, और उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित ढंग से मार्ग दे देते हैं। ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है, अब मुझे भीतर जाने दो। मेरे कर्तव्य निष्ठ होने और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा में विश्वास करने से आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग तो नहीं खुल जाता, बल्कि मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। माता की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम तो बताओ अपना और अपनी माता का, जिसकी आज्ञा से तुम यहाँ खड़े हो। अरे, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हिमालय सुता उमा भवानी शिवा देवी पार्वती माता को तुम नहीं जानते? मैं उनका पुत्र विश्वेश्वराय गौरी सुताय गणपति गणेश। गौरी सुत, मुझे अब तक याद नहीं कि गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया। यत होगा भी कैसे, मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। तुम जाकर अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव बाहर खड़े हैं और भीतर आना चाहते हैं। तुम अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं यही खड़ा हूँ। हे जटाधारी महादेव, आप अवश्य ही परम ज्ञानी ज्ञानी बुद्धिमान दिव्य पुरुष होंगे, पर निरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे स्थान से हटाकर मुझे मेरे कर्तव्य से भी हटाना चाहते हैं? जैसे मैं यहाँ से हटूंगा आप भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा। हटी बालक, तू हटेगा कैसे? माता ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं। ये किससे पाला पड़ गया कैलाशपति? तू जानता है 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। तू बालक है इसलिए। नहीं तो क्या युद्ध करने का विचार है? आ जाओ।
देश बालक, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। बड़ों के मुंह से बड़ी बात निकलेगी नहीं, छोटों के मुंह से आप बड़ी बात निकालने दोगे नहीं तो बड़ी बात जाएगी कहाँ। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल, हट जा नहीं तो। बालक पर वार करना उचित नहीं, मेरे गण तुझे मेरा विचार बताएंगे, मेरे गण तुझे सद्बुद्धि देंगे। गणेश को गण सुबुद्धि देंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बंद करो ये सब। आप क्रोध में हैं स्वामी? क्रोध का कारण है, इसलिए क्रोध में हूँ। क्या कारण है भगवान? वो दुष्ट बालक जिसने हमारा मार्ग रोका है। वो बालक कौन है भोलेनाथ, और कहाँ उसने आपका मार्ग रोका है? नंदी, तुम्हारी भी मति मारी गई है। एक तो उस बालक ने दुष्टता की, और अब तुम प्रश्नों की बौछार कर रहे हो। पार्वती के कक्षद्वार पर वो खड़ा है, और उसने हमें भीतर जाने से रोका है। जाओ, जाकर पता लगाओ वो बालक कौन है और कहां से आया है। बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, पार्वती से अपना संबंध जोड़ रहा है। जाओ, जाकर उसे तुरंत वहां से हटाओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आओ भृंगी, चलो मेरे साथ। जय माता की। सावधान, एक पग भी माता की कक्ष की ओर बढ़ाया तो माता का नाम लेके माथा फोड़ दूंगा तुम सबका। बालक तो बड़ा उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है, और ये दंड मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तू है कौन? तुम्हें छोटी छोटी बात सुनने का चाव है क्या? इतना बड़ा शरीर बड़ी बात नहीं झेल सकते, तो फिर तू मेरा बड़ा प्रहार क्या झेल सकेगा? मैंने पूछा कौन है तू? चिल्ला मत। ये आवश्यक नहीं कि मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूँ। फिर भी देता हूँ, मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। अपनी माँ के पुत्र तो सभी होते हैं, पर तू यहाँ कहाँ से आ टपका? ए, अपनी वाणी और भाषा को वश में रख। मैं कोई जल की बूंद नहीं जो टपक पड़ू। मैं माँ का पुत्र हूँ, आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। प्रकट हुआ हूँ? क्यों हुए हो? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? अरे उद्दंड अपने से बड़ों की नकल करता है। बड़ों की नकल करने की ही रीति है, छोटों की नकल बड़े करे ऐसा नहीं होता है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता। कार्य और भी अधिक बुद्धिमानी का करता हूँ। नहीं, कार्य तो तूने दुष्टता का किया है। कैलाश पति भगवान शिव शंकर को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोककर तूने उनका अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि तुमको यहाँ से हटा दिया जाए। मुझे क्या हटाओगे? पहले मेरे पग को तो तने खिला के दिखाओ। अभी तुझे गेंद की तरह उछाल देते हैं। चलो ये। Ah!
जया, ये चित्कार कैसा है? देखती हूँ कैसी चित्कार है। जय माता की। कौन हो तुम? अपनी माता का पुत्र जो भीतर है। पर ये बालक यहाँ कहाँ से आया? पहले तुम बताओ कि तुम दोनों भीतर कैसे पहुँच गईं? तुम जिसे अपनी माता बता रहे हो, हम उनकी सखियाँ हैं। अर्थात मौसी। हाँ, एक माँ दो दो मौसी। तुम गई थी चित्कार सुनकर और लौटी हो हंसते हुए, क्या हुआ? वहाँ बाहर एक बालक खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए हैं। वो तुम्हें अपनी माता बता रहा है, वह सत्य ही कह रहा है। क्या? क्या? हाँ, मैंने ही उसे जन्म दिया है। एक बालक के हाथों पिट गए तुम सब, ला जानी चाहिए तुम्हें। स्वामी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो? उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? जाओ, जाकर तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी न माना तो देवी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। देवर्षि, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ज्ञान करना चाहिए। उचित है देवराज, चलो हम शिवजी से ही पूछते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नारायण नारायण। कैलाशपति देवादी देव भगवान शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, कैलाश पर यह कैसा उत्पात और आर्तनाद छा रहा है, आप इसे रोकते क्यों नहीं? प्रयत्न तो कर रहे हैं। पार्वती के कक्ष के बाहर एक उत्पाती बालक डंडा लिए खड़ा है, ना वो हमें भीतर जाने दे रहा है ना गण को। अब एक बालक पर हम अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करें? पर यह बालक है कौन प्रभु, और अचानक कैलाश पर कैसे प्रकट हो गया? स्वयं को माता का पुत्र बताते हुए वो पार्वती के कक्ष की ओर संकेत करता है। अब वो वहां से हटे तो हम भीतर जाएं और पूछे पार्वती से कि तुम्हारा ये पुत्र कहां से प्रकट हुआ है। हे भोलेनाथ, आपकी लीला भी न्यारी है। जो माता पार्वती का पुत्र होगा वो आपका भी तो पुत्र होगा। आप तो माता पार्वती से पूछेंगे, परंतु हम सब किससे पूछेंगे? हाय भोलेनाथ, उस बालक से हमारी रक्षा करे। उसकी लाठी में अद्भुत शक्ति है महेश्वर। एक बार और उसके सम्मुख गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। आए शांत हो जाओ नंदी महाराज, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ
अवश्य कोई उपाय करेंगे। मैं क्या उपाय करूंगा? उस बालक की दुष्टता और धृष्टता पर यदि मेरा क्रोध जाग उठा तो अनर्थ हो जाएगा। आप उपयुक्त समय पर आए हैं, इसलिए उस बालक और गण की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वे कैलाश पर आकर उस बालक को प्रेम से वश में करें। हाँ, यही उचित होगा। हम इसी समय वहां जाते हैं देवेश्वर। देवराज इंद्र एवं देवर्षि नारद के साथ देवगण भी पधारे। अर्थात समस्या गंभीर है। हाँ परमपिता, समस्या अत्यधिक गंभीर है। अपनी संगीतमय वाणी में समस्या प्रस्तुत करने तथा उस समस्या का समाधान निकालने में नारद निपुण है। इसलिए नारद, तुम ही कहो कि समस्या क्या है। परमपिता, कैलाश पर एक उद्दंड बालक दंड लेकर प्रकट हुआ है। वो शिवगण को दंडित करता ही जा रहा है। वो ना तो भगवान शिव न शिवगण के रोके रुक रहा है, बस दंड घुमाता ही जाता है। कैलाश पर जहां भगवान शिव की लीला व्याप्त है, वहां इस उद्दंड बालक की उद्दंडता शिव लीला ही लगती है। परंतु जब ये विषय भगवान शिव के सम्मुख आया तो भगवान शिव ने हमें आपके पास भेज दिया। यहाँ भेजने का कारण? भगवान भोलेनाथ का हमें ये आदेश है कि हम आपसे तथा श्री हरि विष्णु से ये कहे कि आप उस उद्दंड बालक को समझाएं और वश में करें। हे परमपिता, आप तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। उस बालक की उत्पत्ति का रहस्य आपसे अधिक और कौन जान सकता है? उसका अचानक कैलाश पर प्रकट होना, सदाशिव का उसकी उत्पत्ति के बारे में अनभिज्ञ होना, ये रहस्य को और अधिक गहरा रहा है ब्रह्मदेव। सत्य यही है कि यह सृष्टि के कल्याण के निमित्त रची गई शिवलीला है। शिवलीला? नारायण नारायण, अर्थात हमारा अनुमान सत्य निकला। यह ऐसी लीला सिद्ध होगी जो समस्त जगत को चकित कर देगी। शिवलीला से इस जगत का कल्याण होगा, ये तो शुभ ही है। परंतु उस उद्दंड बालक का क्या उपाय किया जाए? जब सदाशिव ने तुम्हें उस बालक को समझाने के लिए मेरे और श्री हरि विष्णु के पास भेजा है तो यही उपाय करना होगा। अब तुम सब कैलाश पहुंचो और मैं भी श्री हरि विष्णु को विष्णुलोक से लेकर कैलाश पहुंचता हूं। वहां पहुंचकर उस बालक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा आप उचित समझे ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमन स्वीकार करें परमपिता, और श्री हरि विष्णु आप भी। कल्याण भव। चंद्रदेव, तुम इस समय यहाँ? हाँ परमपिता, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने चला आया, किंतु देखता हूँ यहाँ का वातावरण ही विषम है। हाँ, मैंने आते समय भवन के बाहर देखा तो कुछ शिवगण मूर्छित पड़े हुए थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ पूज्यगण? आओ, हम सब देवेश्वर से विनती करेंगे, वही हमें इस विषय में कुछ बताएंगे। आइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। महेश्वर, कहाँ है वो उदंड बालक? पार्वती के कक्ष के बाहर खड़ा है। आप सभी देवगण उस उद्दंड बालक को बस में करके कैलाश पर शांति स्थापित करें। आश्चर्य का विषय है, कैलाश में अशांति हो गई। कुमार, घोर आश्चर्य का विषय तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में यह अशांति हो रही है। श्री हरि विष्णु जी, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ देखें तो, ऐसा कौन सा बालक है जिसने इतना उत्पात मचा रखा है? आइए। आइए।
मेरी माता के कक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न कोई ना करे, इसी में सबका हित है। हम कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो, मुझे दर्शन देने या फिर मेरे दर्शन करने? दर्शन तो तुम्हारे कर ही लिए हैं, अब तो तुम्हें समझाने का कार्य शेष है। मुझे समझाने आए हो, अर्थात मुझे नासमझ समझ लिया है? नहीं, ऐसा समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते। हम तो तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि क्षमा करें पूज्यगण, समझने की आवश्यकता मुझे नहीं आपको है। उचित यही होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? हम कार्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे, तुम्हें द्वार से हटा कर जाएंगे। देवगण हटाओ इस बालक को। मैं स्वयं तुझे हटा देता हूँ। मैं सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा हूं, मेरी बात मानकर ये द्वार छोड़ दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? तो ले। मैं जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु तुमसे ये निवेदन करता हूँ कि द्वार छोड़ दो। मेरी माता की आज्ञा के अनुसार ये संभव नहीं। नहीं, धन्य है वीर बालक तेरा ये साहस, तेरा ये बल, धन्य है। इस विनाश लीला का अंत करें महादेव। मैं अपने पुत्र के विरोधियों का सर्वनाश कर दूंगी।